नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिता आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी के बारे में प्रैक्टिकल रूप से करके दिखाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही कमेंट आ रहे थे कि मैम आप इस पर फुल वीडियो बनाइए। आज मैं क्लेश नाशन क्रिया यानी कि अग्नि स्नान के बारे में बताने वाली हूँ। अग्नि स्नान जिसका यूज़ एनर्जी को बूस्ट करने में, अपने ऑरा को हील करने में, बहुत सारे अननोन डिजीजेज होते हैं जो लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्यों हुआ है, यह उनके लिए बहुत ही अच्छा है। लोगों को लगता है कि नज़र लग, शरीर में दर्द है, कमज़ोरी है, फीवर आ रहा है, जिसके बारे में आपको पता नहीं कि ये आपके शरीर के साथ हो क्यों रहा है, उस टाइम आप ये थेरेपी करने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आज ये थेरेपी हम इनके ऊपर करेंगे। ये हमारी मरीज हैं जो डिप्रेशन और एनजाइटी से गुजर रहे हैं। आज इनके ऊपर क्लेश नाशन क्रिया होगा। तो इसे करने के लिए आपको एक छोटा सा अग्निकुंड चाहिए, या आप बड़े वाले दिए से भी कर सकते हैं। इसमें आप शुद्ध देसी गाय के उपले डालें, गोमूत्र, पीली सरसों, तेजपत्ता, दालचीनी और घी डालें, फिर आग जला दें। अब थोड़ा सा लोभान लें। लोभान की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है और यह पॉजिटिविटी से भरा रहता है। आप इसे हीलिंग एरिया में कुछ इस तरह से 7 बार आपको घुमाना है। फिर इसे अग्निकुंड में डाल दे। अब इसी अग्निकुंड को आपको हीलिंग एरिया में, जहाँ पे भी हीलिंग की ज़रूरत है, उसे 7 बार घुमाएं। क्योंकि इनको एंजाइटी और डिप्रेशन है, तो मैं इस तरह से इनके ब्रेन एरिया में ही ये चीज़ें करूँगी। इससे होता ये है कि मरीज को अपने चारों तरफ एनर्जी फील होती है, उनको कुछ होने जैसा भाव होता है, उनको अपने एग्जिस्टेंस का पता चलता है। इससे इनका जो विश्वास है, बिलीफ सिस्टम है, काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो अब चलते हैं अग्नि स्नान की सबसे स्पेशल मेथड की ओर। इस कुंड को पूरे शरीर में हमें घुमाना है, लेफ्ट से राइट की ओर 7 बार, कुछ इस तरह से 7 बार आपको घुमाना है। देखिए 3 से 4 इंच की दूरी रहे। जो मेल होते हैं वह बिना कपड़ों के इसको कर सकते हैं, इससे ज़्यादा एनर्जी फील होगी। जो अग्नि की ऊर्जा है, फायर की जो वार्मनेस है, वो फील होगी। जब आप इसे घुमा रहे हो तो भाव अच्छे होने चाहिए। आप मन में किसी भी तरह के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं जो आपके लिए पावरफुल फील होता है। एक अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ, अच्छे बिलीफ के साथ इसे करिए। कुछ इस तरह से 7 बार घुमाएं। अब हम परिक्रमा करेंगे 7 बार। इसे करने से तुरंत ही आराम मिल जाता है। फिर प्रार्थना करें, अग्नि को गॉड मान के हम मंत्र उच्चारण करके कि हमने जितनी भी प्रक्रिया करी है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि इनको लाभ मिले। सच्चे मन से इसे करना ही चाहिए, इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। जिनको लगता है कि नज़र लग गई है किसी की, उन सब के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा जादूगर जैसा सिद्ध होता है। नेचुरल हीलिंग में जैसे आप पानी से स्नान करते, जिसे जल स्नान कहते हैं, कि आप नहाते हो रोज़, वैसे ही जब आप ठंडी हवा चल रही है उसके सामने आप खड़े हो जाइए, आपको बिल्कुल ताजगी का अनुभव होता है, क्योंकि उसको वायु स्नान कहते हैं। वैसे ही जैसे आप धूप के सामने बैठते हो तो आप धूप स्नान ले लेते हो, और अगर आप अपने पूरे शरीर में मिट्टी लगा लेते हो तो वह मिट्टी स्नान हो जाता है, जिससे आपके पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है। उसी तरह से अग्नि स्नान जो है, इन सारे स्नान से बड़ा होता है। यह आपके ऑरा को हील करता है, आपके ऑरा को क्लीन करता है। तो इसे आप ज़रूर करें।